डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो खास करके जाती हैं लव जिहाद के खिलाफ, बाकी चीजों के खिलाफ, वो किसी के दबाव से, किसी के फोन कॉल से नहीं, वो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो यह एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार मीडिया जो यह काम स्वेच्छा से कर रहा है, प्रोएक्टिवली कर रहा है, और यह गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसा मीडिया है जो हमले को लीड कर रहा है, उस हमले के लिए लोगों का दिमाग तैयार कर रहा है। 2002 की हिंसा को भड़काने में गुजराती अखबारों की भूमिका, इस पर आप गुजराती पत्रकारों से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी दबाव है, जैसा आपने कहा कि यह बात अलग, एक कि लोग डर के हैं, दूसरा कहा जाता है रेवेन्यू मॉडल ऐसा हो गया सर कि उस रेवेन्यू मॉडल के चलते हमारे पास कोई उपाय नहीं है नफरत कराने के अलावा। यह कहा जाता है हम लाचार हैं नफरत कराने के लिए क्योंकि रेवेन्यू मॉडल ऐसा। लेकिन 1980 के दशक की जिनको याद है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर किसी को याद है, जो रघुवीर सहाय और बाकी लोग उसमें गए थे, तो उस पूरे तथाकथित आंदोलन, या उसको क्या कहा जाना चाहिए क्योंकि आंदोलन एक सकारात्मक शब्द है, उसमें हिंदी मीडिया की क्या भूमिका, जब प्रेस काउंसिल की थी, एडिटर्स गिल्ड की भी थी, मुझे याद है बालमुकुंद गुप्त जो नवभारत टाइम्स में काम करते थे, उन्होंने टाइम्स फेलोशिप के तहत इस पर एक शोध भी किया था, उनकी रिपोर्ट थी, दुर्भाग्य से वो खो गई, उन्होंने मुझे बताया, हमने पटना में उसको लेकर एक सेमिनार किया। उस वक्त जब मुलायम सिंह यादव को गोली चलवानी पड़ी बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए, तब बाकायदा अखबारों के संपादक अपने रिपोर्टर्स को क्या कह रहे थे, आप हमें सैकड़ों की संख्या बताएं, सरयू का पानी लाल हो गया। तो उस वक्त तो कोई डर नहीं था रेवेन्यू मॉडल, लेकिन और इसलिए मेरी समझ यह है कि खासकर हिंदी मीडिया, बड़ा मीडिया, वो वॉलेंटियरली स्वेच्छा से वो मुसलमान विरोधी मीडिया अगर मैं 80 के दशक से अब तक, क्योंकि जितने उत्साह के साथ आप जिहाद चार्ट बना, वो किसी के कहने पे आप नहीं, जितने उत्साह के साथ आप, जितने उत्साह के साथ आप डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो खास करके जाती हैं लव जिहाद के खिलाफ, बाकी चीजों के खिलाफ, वो किसी के दबाव से, किसी के फोन कॉल से नहीं, वो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो यह एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार मीडिया है जो यह काम स्वेच्छा से कर रहा है, प्रोएक्टिवली कर रहा है, और यह गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसा मीडिया है जो हमले को लीड कर रहा है, उस हमले के लिए लोगों का दिमाग तैयार कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको याद हो अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की थी आरक्षण, उस घोषणा के बाद आंदोलन शुरू IIT में, AMC आरक्षण विरोधी आंदोलन, वह आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, वह आंदोलन शुरू हुआ था जब टेलीविजन चैनल के लोग पहुंचे, और वो एक ऐसा आंदोलन था जो दरअसल मीडिया ने शुरू करवाया, वो पूरा आंदोलन। अगर हिलाल इस बेहतर कर पाएंगे क्योंकि हिलाल उससे देता है, लेकिन भारतीय संविधान को और ध्यान से कई अध्येताओं ने पढ़ा, और भारतीय संविधान बहुत लंबा है और बहुत ब्योरे उसमें दिए गए, और उसके अध्येताओं ने कहा है कि ब्योरे इसलिए दिए गए भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाकी तमाम लोगों ने, कि वे निश्चित कर लेना चाहते थे आप भीमराव अम्बेडकर माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल ठीक उस तरह करते हैं जैसे आप कहें। माइनॉरिटी शब्द को हमें समझने की जरूरत है कि माइनॉरिटी दरअसल या अल्पसंख्यक जमहूरियत में उसको आप कह सकते हैं जिसकी राजनीतिक ताकत बहुत कम है, बहुत कम। तो और इस वजह से जब यह कहा जाता है कि नहीं मुसलमान
तो तादाद में इतने ज्यादा हैं, फिर आप उनको माइनॉरिटी क्यों कह रहे हैं? लेकिन अम्बेडकर की परिभाषा के हिसाब से वो इसलिए माइनॉरिटी हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक ताकत बहुत ही कम। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो संविधान दरअसल इस चीज को लेकर बहुत सावधान है कि समाज में पूर्वाग्रह मौजूद है और वो इस बात को लेकर भी बहुत आशंकित है कि जिन मूल्यों की बात प्रस्तावना में की गई है और आप बात आगे चलकर संविधान में जो अधिकार दे रहे हैं वे अधिकार सुनिश्चित किए जा पाएंगे कि नहीं, इसलिए वो बहुत व्यवहार में जाता है कि कैसे करेंगे ताकि वो बिल्कुल एक आप उसे कह सकते हैं वॉट टाइट फूल प्रूफ इंतजाम हो जाए। तो यह आयोजन का शुरू से लेकिन यह ख्याल भी था जो अम्बेडकर ने कहा था कि दरअसल ये एक तरह से एक ऐसी जमीन पर आप एक ऐसा पेवा लगा रहे हैं जो जमीन जमहूरी है गैर जमहूरी है और उस जमीन को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब आप किसी पैनल को देख लीजिए, आपके सवाल सुनते हुए मुझे इस पैनल का ख्याल आया है कि सारे बातें कर रहे हैं और जमहूरियत की बात कर रहे हैं और ये शुक्र है। मैं हिंद के जवाब के अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहूंगा कि शुक्र है कि आपने उर्वशी को टाइगर को ये निमंत्रण नहीं दिया, वरना वो आपसे कहते कि क्यों वह इसका बहिष्कार करे। तो वह जो सहज बोध है जिसके बदलने की उम्मीद थी वह सहज बोध जमहूरी लोगों में भी नहीं आ पाता है क्योंकि उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, सोचना पड़ रहा है और लोग मानते हैं कि यह प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। नहीं, एक औरत का होना, एक दलित का होना, एक किसी और का होना, इससे बातचीत पूरी तरह से बदल जाए, यह समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस अब आपने कहा कि क्या यह अभी हुआ या पहले हुआ, तो 1947 के बाद से हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यकवादी रुझान बना रहा है और 1947 के फौरन बाद अगर आप देख लें कि किस प्रकार मुसलमानों को बेदखल किया जाने लगा और आप हाउसिंग का ही मामला देख लें, आप पुलिस का मामला देख लें, आप बाकी चीजों का मामला देख लें, वो जरा दुखद प्रसंग है। लेकिन यह बहुसंख्यकवादी रुझान हमारे भीतर मौजूद था और ये कांग्रेस के भीतर मौजूद था। इंदिरा गांधी तो 1948 में खत लिखती हैं अपने पिता को, नेहरू को, लखनऊ में हैं और खत लिखती हैं कि मेरा दम यहाँ घुटता है लखनऊ में क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरी पार्टी के भीतर ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में आरएसएस जहनियत के लोग हैं। और वो उसी साल खत लिखती हैं फिर दूसरा अपने पिता को, कांग्रेस के कोई मंत्री हैं उनके बारे में मैं नाम भूल गया, याद आ जाएगा। वो लिखती है कि वे जिस तरह हर शहर का नाम बाद से पूर्व में बदल रहे हैं, अगर ऐसा करना उन्होंने जारी रखा तो मैं अपना नाम इंदिरा की जगह जोहरा बेगम रखूंगी, वो धमकी दे रहा। तो यह रुझान था और यह एक द्वंद चलता रहा। वो एक समय जाके हावी हुआ, फिर नागरिक कैसे बनेगा, नागरिक कौन है, नागरिकता को लेकर भी काफी बहस रही और अब हम यहाँ पहुंच गए हैं कि आप खुलेआम ये कह सकते हैं कि मुसलमान नागरिक नहीं है और उसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे असम में इस वक्त हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हो रही है, मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं और वो गिरफ्तारी हो रही है बहुत प्रगतिशील कारण से। वो प्रगतिशील कारण क्या है? बाल विवाह रोकने के लिए। तो जिन्होंने बाल विवाह किया है उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। तो इस यह जो पूरा परिवर्तन हुआ है इसमें हमारे राज्य में जो बहुसंख्यकवादी रुझान था, राज्य की संस्थाओं में वह बहुसंख्यकवादी रुझान अब आप कह सकते हैं अपने उरूज पर है और उसको एक संस्था मिली जो बिल्कुल निर्लज्जता से स्वर दे सकती है और इस वजह से उन सब के बहुसंख्यकवादी रुझान निकल गया है। पुलिस का, मैं कह सकता हूं फौज का,
मैं कह सकता हूँ न्यायपालिका के बहुत बड़े हिस्से का अब कोई संकोच नहीं।